वीडियो की क्वालिटी काफ़ी थोड़ी ख़राब होगी क्योंकि लो लाइट कंडीशंस हैं। बस में बैठ चुके हैं, ये राहुल है, उधर शिवम बैठा है, तो मेरे साथ अमित है, फ्लैश चलेगा नहीं और वो करना है सामान। हम लोग बस में बैठ चुके हैं, सुबह मिलते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग सिरसा में हैं, ये है हमारी बस। इसमें काफ़ी इशू हो गया था रात में, पता नहीं क्या इसका गियर बॉक्स वगैरह ख़राब हो गया था, पूरी रात भर काम चला। 4 बजे हम लोग उठ गए थे, 4 बजे आवाज़ आ रही थी और अब जाके 8 बजे बन पाई है। तो सोचिए 4 बजे, 4 घंटे का जर्नी थी, आराम से 8 बजे तक अभी तक पहुँच गया होता है अगर सही हो जाती, बट नहीं हुई। बहरहाल अब सिरसा में है, थोड़ा सा व्यू है, ये देखिए धूप बहुत तेज़ निकल रखती है, अच्छा लग रहा है। ये आ गए शिवम सिंह, अमित यादव, ये तो भैया ऐसा सोए हैं ना रात भर खर्राटे मार मार के, बिल्कुल तो अब हम लोग एक बस स्टॉप पे उतरे हैं अभी, क्या नाम है इसका जगह का, गोकर्णा से अभी हम लोग 40 किलोमीटर लगभग दूर हैं, 20 किलोमीटर सॉरी 20 किलोमीटर कुमतुर नाम है इस जगह का, और यहाँ पे हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं, वो सामने बस है हमारी, हम लोग खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बताते हैं फिर आपको। सांभर बड़ा, सांभर बड़ा, ये इडली बना, ये है चाय, नाइस, एक्सेस शुगर है भाई, मैं नहीं पी पाऊंगा, सॉरी। सो दीज आर द बंस, कैसा है ये तो पूरी लग रही है मेरे को, नहीं बन है भाई, नाइस, मीठा मीठा सा है, स्वीट है। तो ये बन है और इसकी सब्जी ये है, कुछ डिफरेंट टाइप की है, देखिए वे बढ़िया यार बन, जो बन है उसका टेक्सचर देखिए, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, मीठा भी है और सब्जी थोड़ी टैंगी फ्लेवर है सब्जी में, ऐसे खाते हैं। नाइस यार, आप ऐसे भी खा सकते हैं। सो फाइनली अब हम लोग को करना में उतर चुके हैं, कुछ ऐसा है अभी यहाँ पे, वो वहाँ पे बस है हमारी, सी बर्ड दिख रही होगी वहाँ से अभी। अब हम लोग स्कूटी के लिए पता कर रहे हैं कहाँ स्कूटी में रेंटल मिल जाएगी, तब उसके बाद जाएंगे बीच वगैरह की साइड होटल रूम ढूंढेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ आसपास नहीं है, काफ़ी कम है, देख रहे हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है, शॉप है बड़ी सी, स्कूटी कंडीशन किलोमीटर्स ये है। फाइनली मोस्ट अवेटेड मोमेंट, जिसके लिए इतना ट्रेवल कर गए बेंगलोर से यहाँ तक, ये देखिए ज़रा खूबसूरत, ये है हमारा ओम बीच, ओम की शेप में है, वहाँ से शुरू होता है, ऐसे गया है फिर उधर गया है, ऊपर से व्यू बताते हैं काफ़ी अच्छा आता है। सो हैप्पी मैन, बस जल्दी से स्टे देख के मैं इसमें कूदने वाला हूँ बिना देरी के।
एक रेस्टोरेंट में आए हम लोग खाना खाने। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है हमको आउटफिट? और ये हमारा आउटफिट देखिए, आप तीनों ने भैया को दिखा दिया, ये बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए व्यू, यहाँ से आपको व्यू दिखाएं, ये है हमारे रेस्टोरेंट का व्यू। हमारा सो दिस इज द व्यू ऑफ द कैफे। नाइस ना यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। ये देखिए एकदम बढ़िया वाइब्स हैं यहाँ पे। ये किचन है यहाँ इस कैफे का, बाकी इधर पूरा जो भी प्लांटेशन है, बाकी ये रहे यहाँ पे चिकन्स, जिनमें से ये देखिए दिस इज द कैफे। एंड वहाँ पे हम लोग बैठे थे उस जगह पे, फूडिंग हो चुकी है, खाना खा लिया है, कल से बड़ा भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं था। बाकी ये कुछ व्यू है आउटसाइड, बीच, ओम बीच है ये पूरा, वहाँ से ओम होता है, ये देख सकते हो आप। सनसेट होने वाला है अभी, हम लोग दूसरे बीच पे जाएंगे जहाँ पे सनसेट दिखता है, यहाँ पे सनसेट नहीं होगा तो उसकी वीडियो अपडेट करेंगे हम। बाकी हाय, अच्छा है यार, मज़ा आ रही है यार काफ़ी। ये देखिए सन बेथिंग कर रहे हैं लोग, फोटोग्राफी भी हो रही है इधर तो बीच पे। मुझे लगता है भीड़ कम है, जो नेक्स्ट ओम वाला जो सर्किल है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि क्या बताएं। तो वहाँ से उठ के हम लोग इधर आए थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्राउड कम था, तो फिलहाल यही है। बाकी अंदर चलते हैं, ये कुछ डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अरे बोलो हेलो, ऊपर से This is the ओम बीच। अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से कुडले बीच पे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सनसेट हम लोग देख सकेंगे। बाकी हाँ हाय, चलो रिकॉर्डिंग इज ऑन। भाई साहब मस्त भी हो यार यहाँ पे, ओम श्री साई गणेश कैफे। स्टिल वाटर है। ओह हाय, वो देखो बोट, अब हम लोग जा रहे हैं कुडले बीच, जैसा मैंने बताया वहाँ पे बीचेस भी हैं। बाकी मैं जितनी बात हुई है उन लोगों को बताया वहाँ कैफेज़ वगैरह अच्छे हैं, खाने का भी है। असल में मुझे खाना है क्रैब जो मैं यहाँ पे था नहीं, प्रॉन मैंने खाया, मतलब मुझे प्रॉन ऐसा लगा आलू टमाटर मैंने खाया हो, अच्छा नहीं था। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। और ये रही हम दोनों की स्कूटी, हम लोगों की दो स्कूटी ली हैं, इनका नंबर मैं डाल देता हूँ, एक ये है और एक ये है। नंबर डाल बस के करेगा, चालान कटवाएगा। सेफ्टी ब्रो, सेफ्टी पता होना चाहिए कहाँ घूम रहे हैं हम लोग। 0.5
आराम से गिर जाऊंगा। अबे आराम चला भाई, तुम तो अभी चला रहे हो, दो टायर जाएगी तो। किधर किधर देखना, उधर लूं एंड यहाँ पे देखिए क्या हो गया है। धक्का लगवा दें, कुडले बीच किधर से जाए? कुडले बीच, कुडले बीच आगे से आगे, इधर क्या है इस साइड? ओम बीच, ओम बीच। चल जल लगा के हाई सा गजब चढ़ाई है यहाँ पे, तो गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही हैं। हाँ दो रुक जाओ, रुको उतर जा रहा हूँ, रुको उतर उतर जा रहा हूँ, उतरो उतरो उतरो। अरे बहन तुझे कैसे चढ़ाई है? नहीं जा पाओगे, सेफ साइड रहना, पीछे हो जाए बैक तो चोट लग सकती है। वीडियो बनाते रहो, ये खोलो, वो निकाल दो, लो हेलो। गाड़ी से दूर रहो सब लोग, थोड़ा मेंटेन डिस्टेंस। अगर वो एक्सपेक्ट मोड़ कर दो जब गेट में आ रहा है रिप बॉक्स हां राइट राइट 12 बजे जाओ तो मैं और फोर्स कर दूंगा फोर्स कर दूंगा चल भाई साहब, ये तो पहाड़ों से भी ज्यादा खतरनाक रास्ता है, बहुत चढ़ाई है यार यहाँ पे तो। दूर दूर रखो इसे, दूर रखो, यहाँ परफेक्ट ड्राइवर चला पाएगा? परफेक्ट ड्राइवर वो ही नहीं है, एक्सीलेटर जो पैर पे हटा चला नहीं पा रहे। देखो बहुत आसान, इतना कठिन नहीं है यहाँ पे चलाना, सीधी रोड है। हाँ मुड़ेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फाइनली वी आर सेफ। कहाँ ये लोग हैं?
अबे भाई साहब खतरनाक है वहां पे, आ जाओ भाई। नहीं, अब आप लोग कुडले बीच जा रहे हैं।